संज्ञा किसे कहते हैं बताएंगे कुछ? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के बोध कराने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। जी, का चीज का पेपर था? हिंदी। हाँ, हिंदी। हिंदी का जी सर। पूर्णांक कितना था? पूर्णांक सर नहीं पता हमको। पूर्णांक नहीं पता? यहाँ लिखा हुआ पूर्णांक 100। आप कह रहे पूर्णांक नहीं पता, बारहवीं का परीक्षा देने आ रहे हैं। रुके, इसका स्वागत है आपका देहाती क्रिकेटर पे। मैं मुकेश यादव, इस वक्त मौजूद हैं हम श्री श्रीपद यादव इंटर कॉलेज खानजहाँपुर आजमगढ़। गेट के सामने मौजूद हैं हम और परीक्षा से छूटने का वक्त हो चुका है। 5:15 बज चुके हैं, घंटी भी लग चुकी है और उत्तर प्रदेश में इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। सुबह की पाली में 10वीं की परीक्षा थी और ये शाम की पाली में 12वीं की परीक्षा है। अभी छात्र और छात्राएं निकलेंगे यहाँ से, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका पेपर कैसा गया। एग्जाम देकर बच्चे निकल रहे हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना, आइए थोड़ा इधर आइए। जी सर, गोविंद कुमार। गोविंद कुमार जी, किस चीज़ का एग्ज़ाम था आज? सर हिंदी का। सर हिंदी का था जी सर। कितना कर दिया? आइए आइए थोड़ा सा इधर आइए, आते जाते रहिए, आइए ठीक है। हिंदी का पेपर था जी सर। कितना पूर्णांक था? सर 100। 100 था जी। कितना किया 100 में? सर हम किए हैं कम से कम 70। 70। अलंकार जानते क्या होता है? नहीं सर। हैं? नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है। आप 12वीं की परीक्षा दे, अलंकार पता नहीं आपको? जी सर। हैं? बताइए। नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, जाइए। बढ़िया पेपर है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी, किस चीज़ का पेपर था आज? हिंदी का। हिंदी का था। कितना पूर्णांक था? पूर्णांक 100। 100 था। 100 में से कितना किए? 100 में तो अब जिस हिसाब से पढ़े थे तो सब किए हैं। सब किए हैं। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन का हमको जवाब दीजिए, डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी को लिखे हैं अब। अच्छा, लिखे हैं, मतलब कन्फ्यूज है, पता नहीं है, क्लियर नहीं है, है? नाम बताइए थोड़ा अपना। हमारा तबीयत नहीं सही। अच्छा, तबीयत नहीं सही है, ठीक है। नाम बताइए अपना, पेपर दिखाइए थोड़ा हमको। किस चीज़ का पेपर था? हिंदी। हिंदी का था। पूर्णांक कितना है? 70। 70 है कि 100 है? 100। 100 है। आप 70 बता रही हैं, 12वीं की परीक्षा दे रही हैं, 10वीं की थोड़ी ना है। बढ़िया पेपर हुआ। क्या चीज़ का पेपर था? हिंदी। हैं? हिंदी। हिंदी का जी सर। पूर्णांक कितना था? पूर्णांक सर नहीं पता हमको। पूर्णांक नहीं पता? नहीं सर। यहाँ लिखा हुआ पूर्णांक 100। आप कह रहे पूर्णांक नहीं पता, 12वीं का परीक्षा देने आ रहे हैं। रुके, अरे पेपर तो लेते जाइए। अरे भैया पेपर लेते जाइए, लो लो, पेपर नहीं लेके जा रहे जनाब। इनको पता नहीं कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक पता नहीं मिस्टर को। जी नाम बताइए अपना। अंजलि। अंजलि जी, पेपर किस चीज़ का था आज? हिंदी का। हिंदी का पेपर था। कितना पूर्णांक था? 100। 100 आप देख कर बता रही हैं। पेपर बढ़िया गया? हाँ। हैं? हाँ। कितना किया 100 में से, कितना किया आपने? पूरा किया है। पूरा किए हैं। हाँ। कितना आ जाएगा आपको लगता है, 100 में से कितना नंबर आ जाएगा आपका रिजल्ट में? संज्ञा किसे कहते हैं बताएंगे कुछ? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के बोध कराने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। जी जी बढ़िया, चलिए ठीक है। आप तो अपना पेपर लीजिए और ये जनाब एक तो पेपर छोड़ के चले गए भैया। जी मिस्टर, आए भैया, क्या चीज़ का पेपर था वो? हिंदी। हैं? हिंदी। कितना किए बताओ? अरे 80 में 80 कर, 100 में 80 किए हैं। 100 में 80 किए। हाँ। कितना नंबर आ जाएगा 100 में? अरे 70 तो आ जाएगा। हैं? 70 तो आ जाएगा। अच्छा हमको जवाब दीजिए, एक तो बताइए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? ये 12वीं की परीक्षा देकर आ रहे हैं, 12वीं की परीक्षा देकर आ रहे हैं। जी नाम बताइए अपना। नाम बताइए जी मिस्टर भैया, नाम बताओ अपना। रवि शर्मा। रवि शर्मा जी। हाँ। किस चीज़ का पेपर था शर्मा? सर हिंदी का। हिंदी का था। हाँ। पूर्णांक कितना था पता? 70। हैं? 70। 10वीं का परीक्षा है कि 12वीं? 12वीं का। तो 70 कैसे हुआ यार, ये तो पूर्णांक 100 है। 100 था। हैं? 70 कहाँ है? बस भूल गए। हाई स्कूल वाला याद है क्या? नहीं भूल गए, मतलब हड़बड़ा गए आपको देखने के बाद। अच्छा अच्छा, हमको कहाँ देखा हमारे आप जैसे? कभी नहीं आया। चलो ठीक है ठीक है, पेपर कैसा रहा? अच्छा गया। अच्छा गया। कितना आ जाएगा 100 में से? 100 में से सर मान लीजिए 80 कहीं नहीं गया। 80 कहीं नहीं गया। अलंकार कितने होते हैं आपको पता है? सर नहीं पता। चलिए ठीक है, बढ़िया। नाम बताइए अपना। ममता यादव। ममता जी, किस चीज़ का पेपर था? रुके थोड़ा सा। हिंदी का। हिंदी का पेपर। कितना पूर्णांक था? 100। 100 था। अच्छा अच्छा, रुके नाम बताइए अपना। करिश्मा। हैं? करिश्मा। करिश्मा, किस चीज़ का पेपर था बताइए? हिंदी। हिंदी। हिंदी का। हाँ। कितना पूर्णांक कितना था? 100। 100 में से कितना किया आपने? 90%। 90। 90%। कितना आ जाएगा? 90 आ ही जाएगा। आ जाएगा 90। हाँ। 90 तो आ ही जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए हमको। विद्या धनालय। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना। अनमोल राय। हाँ? अनमोल राय। अनमोल राय जी। जी पेपर हिंदी का था ना? जी सर। पूर्णांक कितना था? अच्छा था, 100 नंबर का। 100 नंबर का पूर्णांक था। कितना किए आप? 80 नंबर तक। 80 नंबर। कितना आ जाएगा 80 में से? समथिंग 70। हाँ? समथिंग 70। अलंकार कितने होते हैं आपको पता है? हाँ। कितने? 3 अलंकार होते हैं। कौन कौन बताइए? अर्थालंकार। वो गलत बता रहे हैं सर, जनाब सही नहीं पता नहीं आपको। अरे मिस्टर जाइए भैया, कहाँ दूरी आए हो यार?
ये 12वीं की परीक्षा का आज पहला दिन था, हिंदी का पेपर था। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, आज के ही दिन से शुरुआत हुआ है 24 मार्च की। जी मिस्टर नाम, अच्छा ठीक है, हम नाम बताइए पहले अपना। अंकित। हाँ अंकित। अंकित जी पूरा नाम बताइए। अंकित कुमार। किस चीज़ का पेपर था अंकित कुमार जी? समान हिंदी। समान हिंदी का रिहाती के थिएटर देख लेंगे ना। चढ़ेगा ठीक है। हिंदी का पेपर था। अलंकार कितने होते हैं आपको पता है? जी अलंकार 9 प्रकार अलंकार। दफ्ती सब चुरा लिए, सब दफ्ती चुरा लिए, दफ्ती चुरा लिए और क्या, ये समस्या आपकी है, दफ्ती चुरा लिए सर। हाँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा। चले नाम बताइए अपना। रुकिए 12वीं की परीक्षा देकर आप रही, हड़बड़ाइए मत। परीक्षा के हाल में तो हड़बड़ाई होंगी लेकिन इस समय मत हड़बड़ाइए, परीक्षा हो चुका है। नाम बताइए अपना। कीर्ति चौहान। कीर्ति चौहान जी किस चीज़ का पेपर था आज? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का कितना पूर्णांक था? 100 का। 100 में से कितना हो गया है? पूरा हो गया है। 100 में 100 किए हैं, कितना आ सकता है रिजल्ट में, क्या लगता है आपको? अब जितना आएगा पता चलेगा। संज्ञा किसे कहते हैं पता आपको? बताइए संज्ञा, आराम से हड़बड़ाइए मत बताइए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चले ठीक है, कुछ हद तक आपने सही बताया, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। जी मिस्टर आप नाम बताइए अपना। रंजीत प्रजापति। रंजीत प्रजापति जी किस चीज़ का पेपर था आज? समान हिंदी। पेपर बढ़िया गया? हाँ। कितना? 100 था पूर्णांक नहीं जी सर? 100। 100 था जी सर? 70 कुछ लोग बता रहे हैं। नहीं सर 100 था। 100 था। अरे सर 100 था। अरे ठीक है। अरे सर दफ्ती भी छीन लिया गया। दफ्ती भी छीन लिया, हम लोग डेस्क पे लिखे हैं सर। डेस्क नहीं सही है, डेस्क सही नहीं है सर, दफ्ती ले लीजिए बताइए। अच्छा डेस्क नहीं सही है, ठीक है भाई, छात्रों की शिकायत है और स्कूल प्रशासन से हम मांग करते हैं कि अगर इनकी दफ्ती छीन ली गई और शायद ये बता रहे हैं कि डेस्क नहीं सही थी, लिखने में इनको शायद समस्या हुई होगी, लिखने में समस्या हुई जी सर। मच्छर? हाँ मच्छर। मच्छर की भी समस्या थी भाई, बड़ी कई समस्या थी। और पंखा भी नहीं था क्लास में। अच्छा अच्छा पंखा भी नहीं था, ठीक है। पेपर कैसा गया आप? पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। सवाल करें कुछ हम? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के किन्हीं दो उपन्यास का नाम बताइए हमको। मुंशी प्रेमचंद के? अरे आया क्या था? गोदान। और एक बताइए, गोदान एक दो दो बताइए, एक बता दे बहुत। और सर ये तो बहुत दिन हो गया छोड़े हुए। पेपर कहाँ है? पेपर दे दिए उधर रखने के लिए। चलिए ठीक है, हम आपके पेपर से ही सवाल करेंगे, ठीक है। अब जो आया वही बताइए हमको, ठीक है। हाँ ना हल तो रुकिए, कहीं भाग रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं, आता तो है नहीं हमको लगता है। सुनिए रुकिए बताइए, अरे 12वीं के छात्र हैं और छात्राएं भी, पेपर आज चल रहा है, आज शुरुआत है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, परीक्षाओं का शुरुआत हुआ 24 मार्च से। आज सुबह में 10वीं की परीक्षा थी और शाम के वक्त 12वीं की परीक्षा थी। दोस्तों हमारा वीडियो देखकर आप कमेंट में जरूर राय दें इन छात्र छात्राओं के बारे में, इनके प्रतिक्रिया के बारे में, इनका पेपर कैसा रहा, इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ कैसी दी। और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।